सर ने जैसे बताया कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में तीन एसेंशियल चीजें हैं जिसको हम लोग फोकस करते हैं, टाइम, कॉस्ट एंड क्वालिटी। तो टाइम एंड कॉस्ट इज इनवर्सली रिलेटेड। टाइम अगर बढ़ता है तो कॉस्ट ये भी हो सकता है, और फिर क्वालिटी, इन दोनों से क्या होता है, क्वालिटी भी इफेक्ट करता है। तो ये एक चीज हुआ। इसके बाद सर ने किस तरह से बताया कि हमारे अर्बन लोकल बॉडीज में मेन जो है हमारा मेंटालिटी, एटीट्यूड, ये जो चीज है। तो अगर हमारे, अगर हम उससे हटके भी कुछ करना चाहें, अगर हमारी डिटर्मिनेशन स्ट्रांग रखें, तो हम बहुत अच्छी सर्विसेज दे सकते हैं अपने एरियाज में, जिससे कि सर्विसेज बेटर हो सकती हैं और लोगों को अच्छी सर्विसेज मिलेंगी, और हमारा जो रेवेन्यू जनरेशन है वो भी एक पार्ट है जो सर ने बोला कि वो चीज़ भी फोकस करना बहुत ज़रूरी है कि हमारे यूएलबीज में रेवेन्यू किस तरह से जनरेट होगा और किस तरह से हम सेल्फ सफिशिएंट होकर के लोगों को बेटर सर्विसेज दे सकते हैं। इसके बाद सर ने प्रोजेक्ट के बारे में बताया कि किस तरह से हम सब प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे। फॉर एग्जांपल एसबीएम है, स्वच्छ भारत मिशन है, उसके बाद अमृत सिटी है, स्मार्ट सिटी है, अमृत है, इस तरह से जो सब कंपोनेंट्स है किस तरह से हम लोग उस पर काम कर सकते हैं। उसके बाद सर ने पर्ट के बारे में बताया और सीपीएम के बारे में बताया। पर्ट के बारे में जिस तरह सर ने बताया कि कैसे ये फोकस्ड है ऑन टाइम, और सीपीएम जो है वो किस तरह से रूटीन वर्क के लिए यूज़ है। Very good.